Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. This is Priyanka and today we are on lecture number 4 of capital market series. So capital market series mein humne capital market kya hota hai iske bare mein padha hai. Then we started with participants of capital market, yani ki jab capital market hota hai usme kahi sare participants hote hai to wo kaun hote hai, aur uske hum already do participants cover kar chuke hai, that is mutual funds एंड अंडर राइटर. इनके रोल को हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मर्चेंट बैंकर्स कि मर्चेंट बैंकर्स या मर्चेंट बैंक का क्या रोल होता है कैपिटल मार्केट में. लेकिन आज का जो तरीका है वो थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है. आई थॉट सिंस वी आर गोइंग थ्रू दिस पैंडमिक एंड ऑल आर एग्जाम्स आर बींग कंडक्टेड ऑनलाइन, सो इट्स बेटर टू स्टडी इन अ पैटर्न विच विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, विच इज़ MCQ. सो हम जो भी करेंगे आज MCQ के हिसाब से पढ़ेंगे और उसी में मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगेन. इशू मैनेजमेंट, मैं ये बाद में आती हूँ इसके ऊपर, पहले हम शुरू कर देते हैं. डैश इज़ एन एजेंसी विच कंपनी रिटेन्स फॉर एडवाइजरी सर्विसेज रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग. मतलब ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कंपनी अपने पास रखती है एडवाइस के लिए कि भाई हमको एडवाइस चाहिए उस एजेंसी से, वो एजेंसी हमें एडवाइस देगी. किस बारे में एडवाइस देगी? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग या रीस्ट्रक्चरिंग. कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या होता है? देखो कंपनी में ना शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, लोन, मतलब ये सारे चीज़ों के थ्रू, इन सब के थ्रू ना कंपनी पैसे जमा करती है, दैट इज़ कैपिटल रेज करती है, राइट. तो इनका रेशियो कितना होगा, इन सब का रेशियो कितना होगा? शेयर्स में आ सकता है इक्विटी, प्रेफरेंस और फिर ये डिबेंचर्स, इन सब का शेयर कितना होगा, दैट इज़ व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चरिंग इज़. और एक सर्टन समय के बाद हम ये स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? रीस्ट्रक्चरिंग बोला जाता है. सो दिस इज़ व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग इज़. तो ऐसी कौन सी एजेंसी है जो हमें ये काम करने में हेल्प करती है? क्या वो ब्रोकर्स है? देखो ब्रोकर हमें एडवाइस ज़रूर करते हैं, बट यहाँ पर हमारा ये सही आंसर नहीं बनता है. देन FII, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका भी ये रोल नहीं होता है. अंडरराइटर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अंडरराइटर हमारे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जब पब्लिक आपके शेयर्स नहीं लेगी तो अंडरराइटर जो है वो आपके शेयर्स खरीद लेंगे, या फिर अगर आप नए हैं, ठीक है, और मार्केट में आपका इतना कुछ रिकॉग्निशन नहीं है तो आपके शेयर्स अंडरराइटर खरीद लेगा और वो आगे उसको सेल करेगा. सो दैट इज़ व्हाट अंडरराइटर डज. सो यहाँ पे जो आंसर सही है दैट इज़ मर्चेंट बैंक. सो मर्चेंट बैंक जो है वो ऐसी एजेंसी है जो एडवाइस देने के लिए भी काम आती है. किसको? कंपनीज़ को. नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकिंग इज अ नेम यूज फॉर सर्टन इन्फ्लुएंशियल बैंकिंग फर्म विच बिगैन एज मर्चेंट एंड कैरीज बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर बैंकर्स. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? पहले समझते कि बोल क्या रहा है. ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि देखो मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसा नाम है जो हम लोग इन्फ्लुएंशियल बैंकिंग फर्म्स के लिए, मतलब जो बड़ी बड़ी बैंकिंग फर्म्स होते हैं, हम उनको एज अ मर्चेंट बैंकर बोलते हैं. लेकिन इनका जो काम होता है वो दूसरे बैंक्स, जैसे नॉर्मल बैंक फंक्शन करती है ना, उन बैंक के फंक्शन से अलग होता है मर्चेंट बैंक का काम. तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है. द स्टेटमेंट इज़ ट्रू. मर्चेंट बैंक का काम बिल्कुल भी नॉर्मल बैंक के तरह नहीं होता है. ये इनका सिर्फ नाम में बैंक आता है बट काम इनके अलग होते हैं. दीज आर डिफरेंट देन आर नॉर्मल बैंक्स. इनका जो ऑपरेशन है, जो फंक्शन है, आई जस्ट वॉन्ट सजेस्ट कि जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार पॉज करके ट्राई योर सेल्फ कि क्या आप इसे आंसर कर पा रहे हैं. दैट विल बी मोर गुड. आपको भी अच्छा लगेगा अगर राइट आया तो, और गलत आया तो आपको समझेगा कि आप कहाँ गलत गए. आपको समझ में आएगा कि वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड हाउ डिड यू परसीव्ड द क्वेश्चन. कभी कभी हम क्वेश्चन को गलत तरीके से समझते हैं, बट वो तभी समझेगा ना जब आप ट्राई करोगे. जब सिर्फ मेरे मुँह से सुनोगे तो हो सकता है यू वॉन्ट गेट इट. सो आई होप यू पॉज एंड यू रीड द क्वेश्चन योर सेल्फ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन यू आंसर एंड देन चेक विथ माई एक्सप्लेनेशन. सो ओके नेक्स्ट. ओके, मर्चेंट बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ लाइक. अब मर्चेंट बैंक कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड करती है? एक सबसे पहले जान लेते कि मर्चेंट बैंक होता क्या है.
देखो हमारी जो कंपनीज होती है कैपिटल मार्केट में, जो कंपनीज होती है उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जिसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। इनके अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के बीच में पैसों की एक्सचेंज होती है, दैट इज़ करेंसी एक्सचेंज होती है। तो ये जो करेंसी एक्सचेंज का जो काम है वो कौन करता है, ये मर्चेंट बैंक करता है। हमारे जो मर्चेंट बैंक है ना, ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारे MNCs के बीच में जो करेंसी एक्सचेंज होता है वो ये करे। मर्चेंट बैंक नॉ, ये बिल्कुल भी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ये कोई हमारी बैंक नहीं है जहाँ पे हम जाके पैसे डिपॉजिट करें या उनसे लोन ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मर्चेंट बैंकिंग का जो काम है वो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है। जब हमारे इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जब बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे, जो करेंसीज एक्सचेंज होती है, उन सब में इनका काम होता है। तो ये बिल्कुल भी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। तो चलो देखते पढ़ते हैं। मर्चेंट बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ लाइक फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड। जस्ट नाउ आई सेड इट कि हाँ, जो हमारे मर्चेंट बैंक है वो क्या करते हैं, उनका कोई हमारे विद इन द कंट्री उनका ये काम नहीं होता है कि लोन दो, पैसे इनके डिपॉजिट ले लो, ऐसा कुछ नहीं करते वो। उनका इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस करना होता है। जब हमारी कोई कंपनी है, हमारे कंट्री की जो कंपनी है जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है और उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो ऐसे समय में कौन ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मर्चेंट बैंक प्रोवाइड करती है। फैसिलिटी टू मर्चेंट टू ड्रॉप बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन देम, मतलब ये क्या करती है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है मर्चेंट्स को, यानी जो बिजनेस करते हैं, जो हमारे मर्चेंट्स होते हैं ना, उनको उनके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके देती है। एक्ट एज इशूइंग हाउस टू गवर्नमेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। हमारे कंट्री में गवर्नमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है जिन्हें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। और उस पैसे को प्रोवाइड करना, मतलब पहले तो जमा करना और वो अवेलेबल करवा के देना इन लोगों के लिए, ये काम कौन करता है, मर्चेंट बैंक करता है, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, कि इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस करना, मर्चेंट्स के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके देना, इशूइंग हाउस का काम करना गवर्नमेंट के लिए, एंड बहुत जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ होती है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड करती है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होंगे तो आप एक बार चेक कर लेना, बट आई हैव ट्राइड टू मेंशन एज जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो सब। इशू मैनेजमेंट, अब मैंने कहा था कि वी विल बी स्पीकिंग ऑन व्हाट इशू मैनेजमेंट इज़। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे। व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इशू मैनेजमेंट, कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विस रिलेटिंग टू इशू, देखो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अंडर राइटिंग का काम करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है, इंश्योरेंस का काम करती है, प्रोजेक्ट में काउंसलिंग करना, मतलब आपको बताना कि कौन सा प्रोजेक्ट सही होगा, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें नहीं कंसिडर करना चाहिए, और फाइनेंशियल एडवाइसेस। सो एक बार विल गो बैक एंड विल जस्ट रीड व्हाट इशू मैनेजमेंट इज़। देखो हमारे जो कैपिटल मार्केट है, जिसमें अब हम बात करें कि मर्चेंट बैंकर का क्या काम होता है, कैपिटल मार्केट में होती है हमारी कंपनी, से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। एक्स वाई जेड कंपनी के कुछ काम होते हैं, कैसे काम, मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, जो शेयर्स डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ये जो सिक्योरिटीज़ है ना, बहुत सारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट में जिसके साथ हम डील करते हैं, जिनके ज़रिए हम डील करते हैं, उन सिक्योरिटीज़ को मैनेज करना ये कंपनी खुद नहीं करेगी, कंपनी के पास हज़ारों काम होते हैं, तो ऐसे काम के लिए वो किसी को हायर करती है, उसे क्या बोलते हैं, मर्चेंट बैंक बोलते हैं। तो मर्चेंट बैंक, ये जो हमारी कंपनी है एक्स वाई जेड, इस कंपनी के जितने भी सिक्योरिटीज़ है उनका मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट, ये सिक्योरिटीज़ हमने किसको ऑफ़र की थी, ये हमने पब्लिक को जो ऑफ़र की थी, जैसे हमने अगर नए शेयर्स निकाले और वो हमने किसको इशू करवाए थे, जनरल पब्लिक को, उन्होंने हमसे ख़रीदे, अब उसके बारे में उन पे ध्यान रखो ना, उनके प्रॉफिट्स, उनके रिस्क, ये सारी चीज़ों का काम किसे दिया गया है, मर्चेंट बैंक को, एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और जो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका भी मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को करना पड़ता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी किसे देती है, मर्चेंट बैंक। दिस इज़ व्हाट इशू मैनेजमेंट इज़। कई बार इशू मैनेजमेंट क्या है इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, सो आई जस्ट मेड अ
सेपरेट स्लाइड फॉर दिस टॉपिक कि इशू मैनेजमेंट क्या है. इशू मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट अ मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विच आर बींग विच आर प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक एंड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. दैट्स इट. कॉरपोरेट जो हमारे कॉरपोरेट कंपनीज होती है उन्हें एडवाइस देना, ये काम किसका है? मर्चेंट बैंकर का है. अंडर राइटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है, ये भी मर्चेंट बैंकर्स करते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलग अलग सिक्योरिटी देखो एक कंपनी है उसके जो इन्वेस्टर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही इसमें इन्वेस्ट करे, एक ही सिक्योरिटी में करे. वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में करते ताकि उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा हो कि अगर एक में डूब गए तो एटलीस्ट दूसरे से उन्हें प्रॉफिट हो. तो उसका मैनेजमेंट करना, इंश्योरेंस का काम, प्रोजेक्ट में काउंसलिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजर. सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर द सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय हु? मर्चेंट बैंकर. सो इट इज़ मर्चेंट बैंकर हु प्रोवाइड्स ऑल दीज सर्विसेज. नेक्स्ट, वेन डिड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया में कब शुरू हुआ था मर्चेंट बैंकिंग? तो ऑफकोर्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आई टेल यू. इट स्टार्टेड इन द ईयर 1967. 1967 में ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था मर्चेंट बैंकिंग का सर्विस. इट्स अ सर्विस. हाँ, दीज ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ना ये इंटरमीडियरीज होते हैं. जैसे मैंने कहा कि हमारी जो MNCs होती है उनके बीच में जो करेंसी एक्सचेंज होता है वो करेंसी एक्सचेंज का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? मर्चेंट बैंक करता है. देन इशू मैनेजमेंट का काम है वो कौन करता है? मर्चेंट बैंक करता है. तो ये वो बीच के लोग हैं जो कंपनी को हेल्प करती है उनके कामों में. वो ऐसी एजेंसी है जो कभी एडवाइस देगी, कभी आपके लिए अंडरराइटिंग का काम करेगी, इंश्योरेंस का काम आपको एडवाइस देगी, प्रोजेक्ट काउंसलिंग करेगी. सो ये सब. इन इंडिया मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज वर स्टार्टेड बाय नेशनल ग्रिंडले बैंक फॉलोड बाय सिटी बैंक इन द ईयर 1970. इज दिस स्टेटमेंट राइट? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. हमारे इंडिया में जब मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1967 तो वो किसने की थी? नेशनल ग्रिंडले बैंक ने की थी. कब की थी? 67 में. और उसके बाद किसने फॉलो किया इन्हें? सिटी बैंक ने किया इन द ईयर 1970. तो ये थोड़े से स्टैट्स वाले क्वेश्चन हैं, मतलब जिनमें आपको नंबर्स याद करने हैं. सो एक बार कर लीजिए, ये बहुत ईजी होते हैं एंड स्कोरिंग भी होते हैं. नाउ मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक ये दोनों अलग है, ये बिल्कुल भी एक नहीं है. एक का काम होता है कि वो ऑफर करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अ फी, किसी अमाउंट के लिए, किसी फ़ी के लिए वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अभी हमने देखा कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो, अंडरराइटिंग, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, इंश्योरेंस, कोई भी कॉरपोरेट को एडवाइस करना, ये सारी जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए वो कुछ चार्जेस लगाते हैं. कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है? डिपॉजिट्स लो, लोन दो, लोगों से, पब्लिक से डिपॉजिट्स लो. ठीक है, अब डिपॉजिट लिए उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट दे दो, फिर लोन दो और उनसे इंटरेस्ट लो. ये काम होता है कमर्शियल बैंक का. सो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज़ मर्चेंट बैंक एंड कमर्शियल बैंक सेम? सो द आंसर इज़ नो, इट्स फॉल्स. द बोथ आर डिफरेंट. कमर्शियल बैंक और मर्चेंट बैंक टोटली अलग है. मर्चेंट बैंकिंग इज नोन एज मर्चेंट बैंकिंग इज नोन एज एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउस इन विच कंट्री? देखो हर कंट्री में इसका, इंडिया में हम इसको एज अ इशूइंग हाउस ही देखते हैं कि हमारे जो कंपनीज़ है ठीक है उनके लिए क्या हेल्प होते हैं कि इशू मैनेजमेंट करना, देन अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करना. बट हर कंट्री में इसको अलग अलग बोला जाता है. जैसे इंडिया में हम मर्चेंट बैंकिंग बोलते हैं, वैसे कौन से कंट्री में इसे एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउस बोला जाता है? सो इन UK इट इज़ नोन एज, मर्चेंट बैंकिंग इज़ नोन एज एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउस, ये याद रखना. मर्चेंट बैंकिंग इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन विच कंट्री? अब जैसे हमने ऊपर देखा कि एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउस हम UK में बोलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कौन से कंट्री में बोलते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज USA. सो USA में हम इसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलते हैं. सो दिस इज़ इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट मर्चेंट बैंक इज़, वॉट मर्चेंट बैंकर डज, उसका काम क्या होता है. वो एक इंटरमीडियरी होता है, वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे कंपनीज़ को जो कैपिटल मार्केट में कैपिटल रेज करने के लिए आई है, उनके लिए एक एडवाइस देना और
कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब करते हैं. सो दिस इज़ इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट मर्चेंट बैंकिंग इज़. कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़. आई विल कम अप विथ मोर सच वीडियोज़ विथ हेल्प ऑफ MCQs. आई होप सो. एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.